morning. So we are going to start with work, energy and power. Directly, the first article is work done by constant force and variable force, kinetic energy, work energy. So before that, before we start work, की एक बार revision कर लेते हैं जो आपने ninth में की हुई है. What is the formula of work, types of work, work can be positive, negative, zero, some examples. Just थोड़ी सी revision क्योंकि directly they are starting from the topic. वर्क डन बाय अ फोर्स, वहां से स्टार्ट कर रहे हैं डायरेक्ट. ठीक है. सो व्हेन वर्क इज सेट टू बी डन, व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड इट डिस्प्लेसेस द ऑब्जेक्ट थ्रू सर्टेन डिस्टेंस. ठीक है, तभी हम कहेंगे कि वर्क हुआ है. इफ अ फोर्स एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट एंड इट डिस्प्लेसेस द ऑब्जेक्ट थ्रू सर्टेन डिस्टेंस. अगर हम उस ऑब्जेक्ट को मूव करने में फेल हो गए हैं, इसका मतलब वी हैव नॉट डन एनी वर्क. ठीक है, वी शुड, वी मस्ट डिस्प्लेस द ऑब्जेक्ट थ्रू सर्टेन डिस्टेंस, ओनली देन इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स वी विल से दैट द वर्क हैज बीन डन, अदरवाइज वर्क डन विल बी जीरो. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू आर पुशिंग अ वॉल, आप कहोगे मैंने तो बहुत काम किया, आधा घंटा मैं वॉल को पुश करता रहा, मेरे को इतना पसीना आ गया, मैं थक गया. पर अकॉर्डिंग टू फिजिक्स यू हैव not done any work because you are not able to displace the wall. Okay, clear? So this is an object of mass m lying on a frictionless table, smooth table. So consider an object of mass m lying at rest on a frictionless table. A force acts on it and displaces the object through certain displacement. Can you give an example of this situation? कब ऐसे होता है ये कि हम फोर्स किसी एंगल पे लगा रहे हैं और ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली जा रही है, ऐसे होता है कभी? कोई एग्जांपल दे सकते हो फ्रॉम डेली लाइफ, कभी देखा है? नहीं देखा कभी ऐसी सिचुएशन? बच्चों को खेलते हुए देखा टॉयज के साथ, तो उनका एक वो जो स्ट्रिंग वाला टॉय होता है वो उसको ऐसे पुल करते हैं और पर वो चल तो ग्राउंड पे ही रहा होता है ना. ट्रॉली बैग, आप किसी एंगल पे उसको ड्रैग करते हैं पर चलता तो वो फ्लोर पे ही है ना. तो ये सारी सिचुएशंस है. ठीक है, सो इन दिस केस लेट अस रिजॉल्व द फोर्स इनटू टू कंपोनेंट्स. दिस विल बी एफ साइन थीटा इफ दिस इज थीटा विद द ग्राउंड, दिस कंपोनेंट विल बी एफ कॉस थीटा. एंड नाइन्थ में आपने डेफिनेशन पढ़ी थी दैट वर्क इज सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इफ दे आर इन द सेम डायरेक्शन. इफ द डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स देन वर्क इज सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. नाउ इन दिस सिचुएशन व्हेन द फोर्स इज एक्टिंग एट सर्टेन एंगल, विच फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट? एफ कॉस थीटा का प्रोडक्ट लेंगे ना हम डिस्प्लेसमेंट के साथ. ठीक है, क्योंकि बेसिकली फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इफ दे आर इन द सेम डायरेक्शन देन इट इज द प्रोडक्ट. अब हम अगर एंगल पे ले रहे हैं तो ओनली एफ कॉस थीटा कंपोनेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सो वी विल टेक दैट इनटू अकाउंट. सो द फॉर्मूला ऑफ वर्क बिकम्स एफ एस कॉस थीटा. द फॉर्मूला ऑफ वर्क बिकम्स एफ एस कॉस थीटा. Is that clear? Fs cos theta is clear to you? तो अब इसके अलग अलग केसेस हो सकते हैं. हाँ, डेफिनेशन ऑफ वर्क है कि when work is said to be done. If you want to write, you can write. When work is said to be done. Work is said to be done when, first of all, the force act करना चाहिए. When a force acts on an object. Work is said to be done when a force acts on an object and displaces it through certain distance. And displaces it through certain distance. So force act कर रहा है और उसको कुछ distance के through displace कर रहा है. Then we will say that work is done.
इज दैट ओके? ठीक है, अब इसके केसेस हो सकते हैं. केस वन, इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन, फोर्स इज पैरेलल टू द डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन विल बी हाउ मच, एफ इनटू एस वाई, सेम फॉर्मूला. ठीक है, सो दिस काइंड ऑफ वर्क विल बी पॉजिटिव एंड नॉट ओनली जीरो डिग्री, इन फैक्ट फॉर ऑल एंगल्स लेस देन 90 डिग्री, फॉर ऑल एक्यूट एंगल्स कॉज विल बी पॉजिटिव एंड वर्क डन विल बी पॉजिटिव. तो यहीं से आप टाइप्स भी लिख सकते हो. देर आर थ्री टाइप्स ऑफ वर्क बेसिकली, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क. पॉजिटिव वर्क व्हेन थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, और जीरो डिग्री इज अ स्पेशल केस ऑफ दैट. जीरो डिग्री उसका एक स्पेशल केस है फर्दर. तो पॉजिटिव वर्क का कोई एग्जांपल दे सकते हो? वेयर डू यू सी दैट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन? एग्जांपल उसी का तो एग्जांपल देना है. एक विजिबल एग्जांपल होना चाहिए जिसको मतलब सुनते क्लियर हो जाए. पुशिंग और पुलिंग अ लॉन रोलर जैसे कि, तो आपके माइंड में एकदम से पिक्चर आ जाएगी, हम लॉन रोलर को पुश करते हैं उसी डायरेक्शन में जाता है. ये बेंच किस डायरेक्शन में कौन पुश कर रहा है ऐसे में ज्यादा क्लियर नहीं हुआ. तो आप लिखो पुशिंग अ लॉन रोलर, स्ट्रेचिंग अ स्प्रिंग, हम स्प्रिंग को इधर फोर्स लगा रहे हैं इधर ही वो स्ट्रेच हो रहा है. और इफ पॉसिबल मेंशन द वर्क फोर्स ऑल्सो, मेंशन द फोर्स ऑल्सो, क्योंकि स्प्रिंग के केस में दो फोर्सेस हैं, एक तो अप्लाइड है दूसरा रिस्टोरिंग है. अप्लाइड तो उसी डायरेक्शन में, रिस्टोरिंग ऑपोजिट में, हमें बताना पड़ेगा. तो स्प्रिंग के केस में एग्जांपल विल बी कंप्लीट व्हेन यू मेंशन द फोर्स. सो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इन स्ट्रेचिंग अ स्प्रिंग, सो बेटर यू शुड राइट वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इन स्ट्रेचिंग अ स्प्रिंग. Work done by applied force in stretching a spring. ठीक है, then work done by gravitational force on an object falling freely. मैंने चौक नीचे गिरा दिया, इसकी displacement भी downward हो रही है और अर्थ भी इसके ऊपर force downward direction में लगा रही है. So work done by gravitational force on a freely falling object. Work done by gravitational force on a freely falling object. Next example would be work done by winning team in tug of war. Tug of war में rope किसकी direction में displace होती है? Winning team की direction में, है ना? The work done by winning team in tug of war is positive. Work done by winning team in tug of war. ये सभी example हमने ninth में किए हुए. It's just a recall. It's just a revision. Second type of work is negative work done. For all angles greater than 90 degree, work done will be negative. For all obtuse angles, because cause of obtuse angle is always negative. आप कोई भी example लेके देख लो, cos 180 होता है minus 1, ठीक है? तो ये एक special case हो जाएगा, इसका case number 2, negative work का. Case 2 will be special example when we take theta 0 degree, force and displacement are in the opposite direction. Then work done is FS cos 90, मतलब cos 180, मतलब cos 180 कितना होता है? माइनस 1. तो वर्क हो गया आपका नेगेटिव, माइनस है. तो ये इसी का एक स्पेशल केस है नेगेटिव वर्क. दिस इज अ स्पेशल केस ऑफ द नेगेटिव वर्क. ठीक है, सो फॉर ऑल obtuse angles causes negative, so hence work is also negative. Example, a work done by friction when brakes are applied, that is always negative. हमें पता है कि friction जब brakes लगाते हैं तो वो vehicle की motion को oppose करता है, जिसकी वजह से वो रुक जाता है, it comes to a stop. ठीक है, so work done
by friction in application of brakes, that is negative. Any other example? Yes, work done by losing team. Work done by losing team in tug of war, because rope is not displaced in the direction of losing team. Losing team उधर जाके गिरती है और rope दूसरी direction में, winning team की direction में जाती है. So rope is displaced in the opposite direction. Then work done by gravitational force when we throw a chalk upwards. अब मैंने chalk ऊपर फेंक दिया. Displacement ऊपर हो रही है, but अभी भी earth उसको downward direction में pull कर रही है. So work done by gravitational force when an object is thrown vertically up. When an object is thrown vertically up है तो cause a 180 degree, बिल्कुल opposite direction वाला है. But अगर किसी भी angle पे vertically up है, again the work done will be negative, but it will not be the case of 180 degree. पर work done negative ही होगा. ठीक है? और कोई example? Yes. Work done by restoring force in stretching a spring. जब हम spring को stretch करते हैं, restoring force acts in the opposite direction. We can draw like that. ये spring है आपका. हमने इधर applied force लगाया और restoring force इधर produce हुआ. In the direction opposite to displacement. Spring इधर stretch हुआ जिधर हमने force लगाया. Displacement इस direction में है. बट आपका रिस्टोरिंग फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, विच इज गिवन बाय हुक्स लॉ. हुक्स लॉ की यही स्टेटमेंट थी ना मेन, कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोड अप्लाइड. पैन में जैसे जैसे स्प्रिंग बैलेंस में हम लोड इंक्रीज करते जाते हैं, फोर्स का मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज होता जाता है, बट वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, वो रिस्टोरिंग फोर्स होता है. ठीक है? So these are the examples of negative work. Then we come to zero work. Zero work is possible in two situations. Zero work is possible in two situations. एक तो ये कि displacement हुई ना हो. There is no displacement. Like I gave you example of a man pushing a wall for half an hour. ठीक है, a man pushing a wall for half an hour. तो wall को तो वो move नहीं कर पाया. ठीक है, तो इसका मतलब no displacement, no work done. So work done is F into S, that is zero. Reading a lesson for 2 hours. आप कहते हो आज मैंने बहुत काम कर लिया. I have prepared the test. By sitting at a place, you have learned a lesson. You spent 2 hours, but according to physics, you have not done any work. ठीक है, because आपकी displacement नहीं है. Second situation can be if angle between force and displacement is 90 degree. If angle between फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री. दिस इज वेरी सरप्राइजिंग कि फोर्स भी लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है, फिर भी वर्क डन जीरो आ रहा है. फॉर एग्जाम्पल अ कुली, कुली कैरिंग लगेज एंड वॉकिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड. अब आपको इसका मतलब कुली को पैसे नहीं देने चाहिए, क्योंकि उसने तो कोई काम ही नहीं किया. आप उसको बोला तुमने कोई काम नहीं किया, तेरे को कोई मनी नहीं मिलेगी, है ना? अब बट ये फिजिक्स की लैंग्वेज में, व्हाई, रीजन क्या है यहाँ पे? A कुली कैरिंग लगेज एंड वॉकिंग ऑन हॉरिजॉन्टल रोड. ये कुली और लगेज का वेट है एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, विच इज द फोर्स इन दिस केस. और वो हॉरिजॉन्टल रोड पे जा रहा है, तो ये उसकी डिस्प्लेसमेंट है. एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री. और व्हेन वी पुट cos थीटा 90 इन द फॉर्मूला, cos 90 जीरो आ जाता है, तो वर्क डन मैथमेटिकली जीरो आ रहा है हमारा. अब मैथमेटिकली वर्क डन जीरो आ रहा है हमारा. If the coolie is climbing the stairs, then he is doing work. अगर वो stairs से चढ़ रहा है तब वो work कर रहा है, पर horizontal road पे चल रहा है तो उसने कोई काम नहीं किया. Another example, work done by centripetal force is always zero. तो अगर कोई object uniform circular motion में जा रही है, we have seen that the direction of centripetal acceleration is along the radius towards the center, and hence this will be the direction of centripetal force also,
and displacement or velocity is given by tangent. So in this case also angle between force and displacement is 90 degrees, and mathematically work done comes out to be zero. So those objects that are revolving with the uniform speed in a circle, that are having uniform circular motion, their work done is also zero. For example, earth. So aap ye question karte the 9th mein, work done by earth revolving around the sun is zero. Why? Theek hai, work done by moon rotating about the earth is zero. Why? So uska reason ye centripetal force involved hai, or wherever centripetal force is involved, work done will be zero according to the language of physics. ठीक है, तो आप इसका एग्जांपल लिख सकते हो, वर्क डन बाय अर्थ मूविंग अराउंड सन इज जीरो. सेम वे वर्क डन बाय मून मूविंग अराउंड अर्थ इज जीरो. Is that clear? ठीक है, types of work, concept of work is clear. अब unit of work पता ही है आपको. Units वही same way, there are absolute units and gravitational units. There are two types of units, absolute and gravitational. Absolute में आपका आ जाता है SI और CGS, joule and erg. Joule and erg. These are absolute units of work. And gravitational units that involve G are kg meter and gram centimeter. जैसे केजी फोर्स था, केजी वेट था, ग्राम वेट था फोर्स का, वैसे ही वर्क के यूनिट है केजी मीटर एंड ग्राम सेंटीमीटर. सो लेट्स डिफाइन वन जाउल फोर्स. अब वर्क है बेसिकली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क विल बी वन जाउल इफ द फोर्स इज वन न्यूटन एंड इट इज प्रोड्यूसिंग अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन मीटर इन द सेम डायरेक्शन. ठीक है, तो इसका मतलब जाउल इज न्यूटन मीटर, वन जाउल इज इक्वल टू न्यूटन मीटर. चलो लिखो डेफिनेशन वन जाउल की. हाउ विल यू राइट? वन जाउल इज द वर्क डन, वन जाउल इज द वर्क डन व्हेन अ फोर्स ऑफ वन न्यूटन. वन जाउल इज द वर्क डन व्हेन अ फोर्स ऑफ वन न्यूटन. ये कॉपी आगे रख लो ध्रुव, मुश्किल नहीं पड़ रहा आपको. व्हेन अ फोर्स ऑफ वन न्यूटन डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट थ्रू वन मीटर, डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट थ्रू वन मीटर इन द सेम डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन. सेम वे अर्ग क्या होगा? वर्क विल बी वन अर्ग व्हेन अ फोर्स ऑफ वन डाइन डिस्प्लेसेस द ऑब्जेक्ट थ्रू वन सेंटीमीटर. व्हेन अ फोर्स ऑफ वन डाइन डिस्प्लेसेस द ऑब्जेक्ट थ्रू वन सेंटीमीटर, देन द वर्क डन इज वन अर्ग. तो वन अर्ग इज बेसिकली डाइन सेंटीमीटर. ठीक है, सो वर्क डन इज वन अर्ग व्हेन अ फोर्स ऑफ वन डाइन डिस्प्लेसेस द ऑब्जेक्ट थ्रू वन सेंटीमीटर, डिस्प्लेसेस द ऑब्जेक्ट थ्रू वन सेंटीमीटर. रिलेशन बिटवीन जाउल एंड अर्ग 10^7 अर्ग. वन जाउल इज 10^7 अर्ग. How can we prove? One joule is newton meter. One newton is 10^5 dyne, and one meter is 100 centimeter.
So this becomes 10 raised to power 7 dyne centimeter. And what is dyne centimeter? That is erg. 10 raised to power 7 erg. So one joule is 10 raised to power 7 erg. Relation between joule and erg. Clear? केजी मीटर. अब इस पे आते हैं. अगेन वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. अब वर्क इज 1 kg meter. इफ अ फोर्स ऑफ 1 kg weight प्रोड्यूसेस अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 meter इन द सेम डायरेक्शन. वहां सेम डायरेक्शन में लिखा है ना जाउल और अर्ग में, वो लिख लो प्लीज. 1 joule में डेफिनेशन में लिख लो इन द सेम डायरेक्शन एंड में. 1 joule is the work done when a force of 1 newton displaces the object through a distance of 1 meter in the same direction. वो सब में लिखना है क्योंकि हम product ले रहे हैं simply, इसका मतलब same direction. इन सभी में same direction लिखना पड़ेगा. तो लिखिए 1 kg meter. 1 kg meter is the amount of work done. Amount of work done when a force of 1 kg weight displaces the object through 1 meter. When a force of 1 kg weight displaces the object through 1 meter in the same direction. In the same direction. And gram centimeter same way will be work done when a force of 1 gram weight displaces the object through 1 centimeter in the same direction. Kg weight की जगह gram weight कर दो और meter की जगह centimeter कर दो. क्लियर? तो ये हो गए यूनिट्स. अब आते हैं मेन टॉपिक पे जहां से स्टार्ट हो. वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स. ग्राफिकली so we have a force that remains constant with the distance. जो distance के साथ change नहीं हो रहा. So we want to calculate work done by a constant force. This is first case. So take 2 points on the graph and draw a perpendicular on the x-axis. You get this rectangle. Let's find area under the graph. Area under fx graph in this case is equal to area of rectangle OABC. Area of rectangle OABC. What is the area? Length into breadth. OA into OC. OA into OC. What is OA representing? Force. What is OC representing? Displacement. X. What is force into displacement? Work. So simply area under the graph will give us work done. So if constant force is acting on an object, work done will be given by area under the graph. ठीक है, it will be given by area under the graph. मतलब simple है कि अगर आपने area निकालना है, इन दोनों को multiply कर दो, वो आपकी F force into displacement वो work done. Work done by variable force. Second case. बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने impulse का किया था.
इम्पल्स में फोर्स और टाइम का ग्राफ था, यहाँ पे फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का, सेम वे, बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट है. सेम वे वी विल डिवाइड द एरियाज इनटू स्मॉलर पार्ट्स. सो वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स. So force is varying between two positions x1 to x2. Force is varying now. It's variable. Varying between two positions x1 and x2. We want to find the work done in this case. ठीक है. So what we will divide the area into number of equal strips, each of equal width. Impulse में हमने equal time gap की ली थी strips, अब equal width की ले रहे हैं. So let us consider one strip of width dx. एक strip ले लेते हैं over which force is almost constant. Otherwise इतनी सारी variation है. But if we are taking only one strip, then over this the force is varying slightly. Over that strip, the variation is very slight. So let us find area of one strip. को नेम दे देते हैं ओ ए बी सी. सो दैट इज ओ ए इंटू ओ सी, दैट इज एफ इंटू डी एक्स. ओ ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फोर्स. और डीएक्स है ओ सी, उसकी विड्थ है डीएक्स. ठीक है. So what is the area of all the strips? Integral f dx over the limit x1 to x2. इन सभी को ऐड कर दे, टोटल एरिया आ जाएगा. एंड टोटल एरिया देगा क्या? हमने अभी पहला आर्टिकल किया है, एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ गिव्स अ वर्क डन. सो इफ द फोर्स इज वेरिएबल, वर्क डन विल बी गिवन बाय सॉल्विंग दिस इंटीग्रल ओवर द लिमिट x1 टू x2. सो दिस विल रिमेन आवर फॉर्मूला. When a variable force, so when the force is a function of x, it is varying with the distance, then you have to solve this integral. Otherwise, अगर force constant है, आप उसको integral से बाहर ले लो. Integral dx x हो जाएगा, वो f x हो जाएगा simply. ठीक है. So this is work done by a constant force. So work is over. Our concept of work is over. अब नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट होता है एनर्जी का. बस क्या टाइम हुआ है? क्या करना है? हाउ कैन यू राइट वर्क इन वेक्टर फॉर्म? फॉर्मूला है एफ एफ कॉस थीटा. ए बी कॉस थीटा क्या होता है? ए डॉट बी, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है ना. So you can write work as dot product of force and displacement. So that's why work is a scalar quantity, because it's a dot product of two vectors, and dot product is also scalar, always a scalar. ठीक है. तो इस फॉर्मूला पे भी न्यूमेरिकल्स होते हैं. चलो लिखो फिर एक न्यूमेरिकल. Find the work done by a force that produces a displacement of ये जरूरी नहीं है कि ऐसे डिनोट करें, एक्स डी कुछ भी ले सकते हैं. दिस मच दैट प्रोड्यूसेस अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस. चलो निकालो वर्क डन.
कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन. सिक्सटीन जाऊ. यस आंसर है 16 जाऊ. कैसे करते हैं सॉल्व? आई कंपोनेंट को आई के साथ मल्टीप्लाई, जे को जे, के को के के साथ. ठीक है. सो वर्क इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, 3 × 5 प्लस 4 × 4 प्लस −5 × −3. 15 प्लस 16 और माइनस क्यों, प्लस ही आएगा, माइनस माइनस नहीं, दोनों माइनस दोनों ही हैं. ये प्लस लिया हुआ है यहाँ पे, आपको कैसे पता चला आपका आंसर 16 आ रहा है? आंसर 16 ही लिया हुआ है वहां पर, स्टेटमेंट में गलत है, आगे नीचे उन्होंने प्लस 3 लिया हुआ है सॉल्यूशन में. ऑल्सो फाइंड एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. इसका नेक्स्ट पार्ट है ऑल्सो फाइंड एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. कैसे निकालोगे? डॉट प्रोडक्ट की एडवांटेज थी, ये एप्लीकेशन थी कि वी कैन फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. क्या फॉर्मूला है? cos थीटा इज f डॉट d ओवर f into d. सिंपल है, हम लिख रहे हैं वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा, यही लिख रहे हैं ना. ठीक है. और ये आपका f डॉट d है, तो cos थीटा क्या हो गया? डॉट प्रोडक्ट जो भी आपने निकाला ओवर उनके मैग्नीट्यूड. चलो ये कल बताना आंसर. ठीक है.